ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ऋत्विक मंडल और लगातार हमारे साथ अनुपम मिश्र जुड़े हुए हैं। अनुपम, अब सीधे आपके पास आते हुए, अनुपम अगर 3-4 बड़े पॉइंट्स जो आप बताना चाहें, बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए कैसे एक बहुत बड़ा सिरदर्द ये पूरा का पूरा मामला बनता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ उनकी ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि न्याय किया जा रहा है, पूरे मामले में जांच जारी है, सरकार पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बंगाल का एक बड़ा तबका है जो मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। यही कारण है कि विरोध प्रदर्शन हर दूसरे तीसरे दिन के बाद हम देखते चले आ रहे हैं। किसी नए संगठन, कभी डॉक्टर्स की ओर से, कभी स्टूडेंट्स की ओर से, कभी कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से किया जा रहा है। अनुपम, ये देखिए चित्रा, इस पूरी घटना के बाद से जिस तरह से प्रदर्शन शुरू हुए हैं वो लेकिन कोलकाता या पश्चिम बंगाल में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम आज की तस्वीरें देखें तो आज लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, आने वाले कई दिनों में भी प्रदर्शन है, लेकिन इनमें से बहुत सारे प्रदर्शन ऐसे हैं जो राजनीतिक हैं, खासतौर पर कांग्रेस लेफ्ट और बीजेपी, जो तीनों इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं। तो ये एक राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक प्रदर्शन है। दूसरा जो प्रदर्शन हो रहा है, डॉक्टर्स की ओर से प्रदर्शन हो रहा है, जो अस्पताल में प्रदर्शन हो रहा है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, वहाँ पर वो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। अब इस मामले में अगर हम देखें तो दो पहलू हैं, एक तो क्राइम का पहलू है जिसका मामला चल रहा है, जहाँ पर एक आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार हो चुका है और अभी तक 12 या 13 दिन है CBI ने इस जाँच प्रक्रिया को अपने हाथ में लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा जो एक मसला है वो है जो वित्तीय अनियमितताएँ हुई हैं इस पूरे आरजीकर अस्पताल में, जो पूर्व प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के खिलाफ एक मामला हुआ है, उसकी जांच पहले सिट बनाई गई थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन उसके बाद उस जांच को हाईकोर्ट ने CBI के हाथ सौंप दिया है। तो CBI ने इस मामले की जांच शुरू की है, जहां पर परसों हमने देखा 15 जगहों पर रेड की और लगातार पूछताछ हो रही है। अब ये मामला अलग है और जो हत्या का मामला है वो मामला अलग है, लेकिन जो प्रदर्शन हो रहे हैं मुख्य रूप से ये दोनों मिले जुले हैं। इसमें न्याय की मांग भी है और जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं संदीप घोष के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और प्रदर्शन भी दो तरह के हैं, एक राजनीतिक प्रदर्शन है जहां पर राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, और एक गैर राजनीतिक प्रदर्शन है जहां पर छात्र समाज है, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो खासतौर पर अस्पताल में आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता की जगह जगह सड़कों पर भी छोटे मोटे प्रदर्शन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार नारेबाजी इनकी ओर से की जा रही है। जस्टिस के नारे लग रहे हैं प्रदर्शनकारियों की ओर से, लगातार हंगामा किया जा रहा है। बैरिकेड किस तरह से तोड़ दिए हैं इन प्रदर्शनकारियों ने, देखिए ये कोलकाता का बिल्कुल भीड़ भरा बाजार एक वक्त पर रहा करता था, हालांकि आज वहां पर देखेंगे आप सारी की सारी दुकानें इस वक्त आपको बंद नजर आ रही हैं। सड़क पर या तो पुलिस कर्मी है या तो प्रदर्शनकारी छात्र हैं जिनको हटाने के लिए लगातार पुलिस की ओर से वहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो बैरिकेड लगाए गए थे उसको तोड़कर उसके ऊपर यहां पर प्रदर्शनकारी छात्र चढ़ गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दी है बैरिकेडिंग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर एक जगह आंसू गैस के गोले छोड़े तो दूसरी जगह लाठीचार्ज कर उनको खदेड़ने की कोशिश की गई। वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का जवाब पथराव करके भी दिया है। कुछ जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है, कुछ पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं जिनकी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। अनुपम,
जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, लेकिन कोलकाता की ही सड़कों से बैरिकेडिंग को तोड़कर हटाकर उसके ऊपर चढ़कर अब प्रदर्शनकारी वहां पर लगातार हंगामा कर रहे हैं। उससे पहले ये तस्वीरें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, एक बार सुनते हैं वहां पर कैसा हंगामा हो रहा है। एक तरफ पुलिस वाले हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। अनुपम, ये तो मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो एक तरफ प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन वहीं तीसरी तरफ फिर से और प्रदर्शनकारी आकर लगातार हंगामा करने लग रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स को हटाने के लिए आप देखिए किस तरह से पुलिस वाले उसको पकड़ कर लेकर गए हैं। अनुपम जी, देखिए सबसे ज्यादा जो हंगामा हो रहा है वो सांतरागाछी इलाके में हो रहा है। सांतरागाछी वो मुख्य सड़क है जो हावड़ा हुगली हावड़ा से होती हुई कोलकाता में प्रवेश करती है। अब सांतरागाछी में सबसे ज्यादा प्रदर्शन जो हो रहा है वहीं पर हंगामा हो रहा है। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में एक जो रैली निकली थी वो हावड़ा ब्रिज की ओर गई थी, वहां पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन वहां उनको तितर बितर कर दिया गया, वहां पर बहुत ज्यादा झमेला नहीं हुआ। हम लोग जहां पर हैं, यहां मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इलाका है हेस्टिंग्स इलाका जो नवानों के बिल्कुल करीब है। यहां पर अभी तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाया है, ज्यादातर प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था, खास तौर पर सांतरागाछी में। तो जाहिर तौर पर सांतरागाछी में जो हो रहा है वो एक एक जत्थे में प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, फिर वो प्रदर्शनकारी तितर बितर हो जा रहे हैं, कुछ को अरेस्ट किया जा रहा है, कुछ वहां से भाग जा रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरा जत्था आ रहा है। तो ये जो सिलसिला है ये पिछले लगभग 1 बजे से पहले शुरू हुआ था, अब तक चल रहा है। और जो पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगले कुछ 1-2 घंटों तक ये सिलसिला चलेगा, लेकिन उनको नवानों तक आने नहीं दिया जाएगा, वहीं पर उनको रोका जाएगा, जरूरत पड़ी तो अरेस्ट तो किया ही जाएगा। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इंतजाम करके रखा गया है। तो सारी व्यवस्थाएं, सारे इंतजाम यहां पर भरपूर हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से लोगों को यहां पर रोका जा सके। फिलहाल यहां पर भी पुलिस थोड़ी एक्शन में आ रही है, संभवतः इस इलाके में भी एक खबर आ रही है कि कुछ लोग हो सकता है कि इस तरफ आए, ऐसे में जो पुलिस के इंतजाम थे वो अब थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों को जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर तैनात किया जा रहा है, और जो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, कंटेनर्स वगैरह लगाए गए हैं। मैं आप बैरिकेडिंग के पास आपको लिए जाता हूँ, जहाँ पर पूरी तरह से रास्ते को रोका गया है। उस बैरिकेडिंग के पास देखते हैं कि उस पार क्या स्थिति इस वक्त है। हालांकि जो सड़क है वो इस वक्त सामने की ओर खाली नजर आ रही है, लेकिन एक सूचना जरूर आ रही है कि कुछ लोग इस तरफ आ सकते हैं प्रदर्शनकारी, और ऐसे में पुलिस को यहां पर तैनात रखा गया है। और जो बैरिकेडिंग है ये तेल लगा दिए गए हैं, जो गार्डरेल हैं लोहे के, ताकि प्रदर्शनकारी उस पर चढ़ के ऊपर ना चढ़ सके। जो बांस हैं, बांस लगा के रखे गए हैं, कंटेनर्स लगाए हुए हैं, और वाटर कैनन तैनात रखी गई है। ड्रोन यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ड्रोन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है कि प्रदर्शनकारी कहाँ हैं, कितने दूर तक हैं और कितने की संख्या में हैं। तो ये सब इंतजाम यहाँ पर हैं। यहाँ पर आंसू गैस के गोले पूरे तैनात रखे गए हैं। अश्रु गैस के जो गोले इस वक्त हम देख रहे हैं सांतरागाछी इलाके में छोड़े जा रहे हैं, वो कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके में भी तैनात रखे गए हैं। अगर ये प्रदर्शन उग्र होता है तो पूरा इंतजाम पुलिस की ओर से यहाँ भी किया गया है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।